हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं टू सर्किल डॉट नेट का दिल्ली का कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ। आज हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर के एक जाने माने लॉयर हैं नासिर अली एडवोकेट साहब, जो कि लॉयर के साथ होने के साथ साथ ये यहाँ के सोशल इश्यूज पे भी काम करते हैं, एजुकेशन पे भी इन्होंने काम किया हुआ है। एंड बिसाइड्स दैट इज़ ऑल्सो अ थिंकर on issues pertaining to Muslims and you know people in general in Muzaffarnagar. आज हम उनसे बात कर रहे हैं because he's a lawyer and he has fought, I mean he must be, he's having decades of experience. आज हम इनसे बात कर रहे हैं about issues of honor killing prevailing among Muslims. So advocate साहब, आप बताएंगे क्या ये मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया यहाँ पे मुजफ्फरनगर में, इनफैक्ट कुछ लॉयर से भी बात किया, सो लोग जो आसानी से मानने को तैयार नहीं हैं कि ऑनर किलिंग यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। आपका क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पे मुस्लिम्स में ऑनर किलिंग का मामला? जो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो सोसाइटी है हमारी वो कास्ट सिटीजन सोसाइटी है, और अभी लोगों में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ कि एक कास्ट की शादी दूसरी कास्ट में आसानी से हो जाए। लेकिन जब वो दोनों लड़के शादी करते हैं अगेंस्ट दी विशेस ऑफ दी पेरेंट्स, तो उसमें पर्टिकुलरली लड़की वाले ज़्यादा एग्रीवेड महसूस करते हैं अपना, और उनमें कुछ केसेस तो ऐसे आते हैं कि जो कोर्ट में आ जाते हैं, और कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि प्राइवेटली वो मार दिए जाते हैं और फिर वो कोर्ट्स के अंदर नहीं आते, ना उनकी FIR होती है। मेरी अपनी राय में यहाँ पर भी मुस्लिम्स में भी ऑनर किलिंग है, लेकिन वो और कास्ट के मुकाबले में थोड़ा कम है, बस थोड़ा सा कम है। अदरवाइज इट्स इक्वली प्रेवेलेंट, आई मीन थोड़ा सा कम है, प्रेवेलेंट है। वो कुछ ऐसे हैं कि जो आ जाते हैं थानों में या कोर्ट्स में, कुछ ऐसे हैं कि जो वहीं पे पैसे देकर के अपने घर पे सेटल कर लेते हैं, मार देते हैं। आपके अकॉर्डिंग, चूंकि आपके पास ऐसे केसेस तो आते होंगे, आपके अकॉर्डिंग कितने ऑफिशियली और अनऑफिशियली दोनों को मिला के कितने केसेस होते हैं साल में, या दो सालों में, या पाँच सालों में मुस्लिम्स के बीच में? मेरे ख्याल से एक साल के अंदर 10-20 केस का एवरेज तो होता ही है, जिनमें कुछ रिकॉर्ड पर आ जाते हैं, कुछ आउट ऑफ रिकॉर्ड हैं। ओके। और कुछ में ऐसे हैं कि जो लड़का और लड़की स्टिल मिसिंग है, दोनों मिसिंग है, दोनों मिसिंग है, अब वो जिंदा हैं या कहीं काम कर रहे हैं उनका कुछ पता नहीं। तो कुछ केसेस के बारे में बताएंगे जो फेमस केसेस हैं ऑनर किलिंग के यहाँ पे? ये तो रिकॉर्ड की बात है, मेरे पास कल को ही है, कभी एक केस हुआ है उसमें लड़का और लड़की भाग गए, और वो लड़की रिकवर हुई हाई कोर्ट के ऑर्डर से, अब उन्होंने 3 दिन बैक ही उसे कोर्ट ने भेजा है नारी निकेतन, ताकि वो अपनी सूट वीर से बयान दे सके। लेकिन यहाँ कोर्ट ने यही कह रही थी कि नहीं, मैं तो उसको अपने लड़के के साथ अपनी विलिंग से भागी हूँ, और उसके माँ बाप जो हैं वो उसके लेने के लिए तैयार थे। ऐसे में अगर लड़की जब हैंड ओवर हो जाती हैं तो वो डरी हुई होती हैं कि हमको हमारे पेरेंट्स मार देंगे। अच्छा। अब फिर क्योंकि लड़के वाले जो हैं वो भी खामोश बैठ जाते हैं, फिर लड़कियों को कुछ पता नहीं चलता क्या हो, कोई रिकॉर्ड नहीं रखता। फिर कोई ऐसा पास्ट का केस जो कि आपको याद हो पिछले साल का, जहाँ पे मार दिया गया हो लड़की को या लड़के को मुस्लिम्स के बीच में? इस तरह तो एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन मैं आपको इंफॉर्मेशन फर्निश कर सकता हूँ रिकॉर्ड देख। ओके। अच्छा, ये आप बता रहे हैं कि कास्ट के बीच में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो किस मुस्लिम्स में कौन से कास्ट से प्रॉब्लम्स होती हैं? यहाँ तो छोटी कास्ट हैं, अगर फर्ज कीजिए एक तेली है, वो धोबी क्या नहीं करना चाहता, एक सैयद है वो अंसारी क्या नहीं करना चाहता, एक अंसारी है वो सैयद क्या नहीं करना चाहता, तो ये सब सिस्टम है यहाँ का, ये देन है इंडियन सोसाइटी, इट इज़ नॉट ई देन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी, इस्लाम की देन नहीं है, इस मुल्क में हम रह रहे हैं ये कास्ट सिस्टम उसकी देन है, और उसी पे हम उसी के हिसाब से हम अब भी बैठे हुए हैं। ऐसी क्या वजह है कि मुस्लिम लीडरशिप इसको एक्सेप्ट नहीं करती कि कास्ट या ऑनर किलिंग, आई मीन ऑनर किलिंग तो एक्सेप्ट करती नहीं है, ये भी एक्सेप्ट नहीं करती कि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम प्रिवेल होता है, सो ऑनर किलिंग लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? उनसे पूछे जो एक्सेप्ट नहीं करते कि क्या वो अपनी लड़की की शादी जो लीडर हैं किसी, अगर वो फर्ज कीजिए सैयद हैं, तो क्या वो अपनी लड़की की शादी किसी धोबी लड़के से कर देंगे? उनसे हम मालूम करिए कि अगर आप करें तो इनको मैं अरेंजमेंट करा दूंगा। कहने की बात और है कि यहाँ नहीं है,
लेकिन जो फैक्चुअल बात यह है कि कोई भी तैयार नहीं है, जो पढ़े लिखा तबका है, जो एमएल पीएचडी हैं, जो मिनिस्टर हैं, एमएलए हैं, वो अपनी कास्ट के अलावा नहीं उठ के चलते दूसरी तरफ, दूसरी तरफ नहीं करने की वो। अच्छा, मुझे पता चला कि एक कुरैशी खानदान में, जैसे कि वहाँ पे एक कुरैशी खानदान की एक लेडी को, एक लड़की को मार दिया डॉक्टर, डॉक्टर मार दिया उसे। वो उस केस के बारे में बताएंगे? वो तो उसका, उसने मैरिज कर ली थी, वो उनके पेरेंट्स से एग्री नहीं थे, उसको मर्डर कर दिया और फिर उन्हें गवाह अपने रख लेते हैं, सब हॉस्टल हो जाते हैं। सिटी के अंदर जो केस क्रिमिनल केसेस हैं उनमें मोस्टली 90% विटनेसेस हॉस्टल हो जाते हैं, वो केस नहीं देते। मगर केस कायम भी हो गया तो वो गवाही नहीं देते और इस वास्ते उसका एक्टर हो जाता है। अच्छा अच्छा, ये बिल्कुल लगता है कि मुस्लिम सोसाइटी भी जाट सोसाइटी की तरह हो गई इन सब चीज़ों में, तो इसको कैसे कैसे इसको, इसका व्हाट इज़ द वे आउट, व्हाट इज़ द सोल्यूशन? इसका सोल्यूशन ये है कि एक तो इस खुद तबका एजुकेटेड हो। वो तो सारे एजुकेटेड ही होता है जो मारता है अपने बच्चियों के? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, सब वो बच्चियों को जो मारने वाले एजुकेटेड ही हैं, अनएजुकेटेड पर्सन ज़्यादा हैं जो अपने बच्चों को मारते हैं, वो ज़्यादा इंसल्ट महसूस करते हैं कि मेरी लड़की, मैं रहने वाला शेख और मेरी लड़की भाग गई है कुरैशी के साथ, मेरी लड़की भाग गई है तेली के साथ, तो वो जो बेपढ़ा लिखा आदमी है वो ज़्यादा एनॉयड है बनिस्बत एक पढ़े लिखे के मुकाबले। ओके ओके, थैंक यू एडवोकेट साहब, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।